हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये मेरा घर का व्लॉग होने वाला है। और ये जो आपको सामने पेड़ दिख रहे हैं, वो पेड़ कटने वाले हैं पूरे के पूरे। देख सकते हैं कितने ज़्यादा बड़े पेड़ हैं ये। और बाहर के ये पेड़ कटने वाले हैं और अंदर के पेड़ कटने वाले हैं। और ये है हमारा घर। और ऊपर देखिए आप, मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि कितना मोटा पेड़ है और कितना बड़ा पेड़ है और इसके लिए किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें और कैसे कैसे होने वाला है। देखिए कितना ज़्यादा मोटा पेड़ है ये, बहुत ही ज़्यादा मोटा पेड़ है। और वो भी कटेगा, ये भी कटेगा और वो पीछे भी है। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा अभी कि ये देखिए, ये तीनों पेड़ कटने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसे देखने में कि ये कैसे कटेंगे। और देखिए ये है अंदर का व्यू, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था ये पेड़, लेकिन फिर भी हमें इसे कटवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं ये। देख सकते हैं इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, निखिल। और ये पेड़ भी कट जाएगा थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं ये भाई लोग आ चुके हैं और इन्हीं लोग काटने वाले हैं पेड़ को, देख सकते हैं। और हमें क्रेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और काटने से पहले हम पहले नारियल देखेंगे। नारियल, ये देखिए नारियल काटने वाले हैं। पूजा वूजा होने वाली है, देख सकते हैं ये नारियल काट रहे हैं, काट नहीं रहे, फोड़ रहे हैं। और ये हो रहा है रेडी। और हमारा नियो भी देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखिए भोग रहा है कथा। तो ये देखिए अब ये आरी, ये भाई अपना आरी तैयार कर रहा है काटने के लिए। ये चालू हो चुके हैं काटना और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी सब करने में, देख सकते हैं बहुत मेहनत से इन लोग काट रहे थे सब के सब। और ये देखिए बहुत तेज़ी से काट रहा है आदमी। और ये गिर गया, मैं तो डर ही गया था कि ये मेरे ऊपर ना गिर जाए करके, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे मेन अंदर वाला पेड़ के मुझे डर था कि क्या होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था अंदर वाला पेड़ जो ये है, देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ है। और मैं तो मुझे लगा नहीं था कि कैसा इसे कैसे काटेंगे, लेकिन फिर भी काट दिए उन लोगों ने। देखते हैं आगे। ये देखिए सबसे पहले इन लोगों ने एक सीढ़ी लाई और सीढ़ी में इसे बांध दिया। और काफ़ी ज़्यादा इन लोग हीरो थे कि इन लोग को डर भी नहीं लग रहा था हाइट से ना किसी से। और ये चढ़ते गए। और आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, ये बंदा तो क्रेन पे भी चढ़ गया था। ये देखिए ये क्रेन आ चुकी है और क्रेन से अब उसे हम काटने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ है, अगर काट देंगे सीधा तो नीचे गिरेगा और हमारा घर टूट जाएगा, इसीलिए क्रेन की भी ज़रूरत पड़ी हमें। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था ये, देख सकते हैं ये लोहे से इसे बांध रहा था लेकिन ये बांध नहीं पाया बेचारा, क्योंकि बहुत भारी होता है लोहा भी। तो फिर हम कपड़े से बांधे, हम नहीं, वो देखिए वो चढ़ चुका है हीरो हमारा, बहुत ही ज़्यादा हीरो आदमी था ये। ये देखिए अब क्रेन को ये स्टार्ट करके उसे ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए बोल रहा है ऊपर ले जाओ, ये देखिए उसमें बैठ के ये ऊपर जा रहा है। सही में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो ये देखिए काफ़ी मेहनत के बाद भी बेचारा नहीं कर पा रहा था क्योंकि लोहे से हो ही नहीं रहा था। तो ये देखिए अब कपड़े की मदद से अब इसे बांधेंगे और फिर देखना कि क्या होने वाला है। तो ये देखिए कपड़े से बांध दिया गया है और वो आदमी अब देखना सीढ़ी पे भी आ जाएगा और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और ये देखिए उसे बांधेगा भी, बहुत अच्छी तरीके से बांधा है। और अब आप देख सकते हैं ये नीचे जाने वाले हैं और देखिए यहाँ से ये काटना चालू कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो डर गया था, मैं तो छत पे आ गया था, देख सकते हैं कि ये इधर ना गिर जाए ना नीचे गिर जाए, तो मेरी तो पूरी निकल चुकी थी हवा। और देखिए अब ये धीरे धीरे कटने वाली है और काफ़ी मेहनत का काम है इसमें, दो बार चेन बदलनी पड़ी चेन शॉ की, फिर भी ये नहीं हुआ। लेकिन लास्ट बार वाली जो चेन थी वो बहुत ख़तरनाक थी, तो उससे ये देख सकते हैं ये धक्का दे रहे हैं ये क्रेन से पेड़ को धक्का दिया जा रहा है। ये कैसा ज़माना आ चुका है आप देख सकते हैं। और अब देखिए मज़ा आ जाएगा आपको कि क्या होने वाला है आगे। ये देखिए पेड़ टेढ़ा हो चुका है, हल्का सा टेढ़ा हो चुका है। मैं तो डर गया था, मैं देखिए भाग रहा हूँ इधर से उधर, अगर ये मेरे ऊपर गिर जाता तो
मैं तो चला ही जाता, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दूर खड़ा था छत के भी। देख सकते हैं मैं जूम करके ले रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए ये टूटने वाला है, ये टूटेगा अब, क्योंकि अब वो खींच रहे हैं उसे ऊपर से, देख सकते हैं। ये देखिए पूरा वो आधा निकल ही चुका है ऐसा लग रहा है। ये देखिए टूट गया ये पेड़ हमारा, टूट नहीं कट गया। और काफ़ी ज़्यादा मैं डर गया, देखिए मैं भाग रहा हूँ इधर से उधर, अगर ये मेरे ऊपर गिर जाता तो नहीं जाता। लेकिन देख सकते हैं क्रेन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है, क्रेन इतने बड़े पेड़ को काट के उठा दिया और उठा के नीचे भी ले गया, देख सकते हैं, इसलिए क्रेन सही में क्रेन है। ये देखिए इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ था और कितना हरा भरा पेड़ था। हाँ उसके नीचे देख सकते हैं वो गिलोय का पेड़ भी लटक रहा है। और अभी देखिए इसे धीरे धीरे इन लोग नीचे ले जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से वो कंट्रोल कर रहा था क्रेन को। और देखिए ये जा रहा है नीचे नीचे नीचे, और ये गया रास्ते पे सीधा। अब मैं आपको नीचे से जाके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है पूरा नीचे का मंजर, को मज़ा आ जाएगा देख के। तो ये देखिए इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे, हम पूरा रास्ते ब्लॉक कर चुके थे चारों तरफ से और कोई आना जाना नहीं हो रहा था। और अभी से हम आगे वाले सामने जगह है वहाँ पे फेंकने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी इसमें, देख सकते हैं हम क्रेन बुलाया गया, तीन चार लोग भी है। और ये जाएगा सीधा बाहर, और जो इसका आधा हिस्सा है उसे भी हम तोड़ने वाले हैं, तो आधा हिस्सा दिखाते देख सकते हैं जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये भी कटने वाला है, काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है लेकिन कोई नहीं, अब देखिए कैसे काटते हैं इसे। और ये नीचे से काट रहे हैं और अब इसमें ऊपर से बांधेंगे हम पट्टा जो हमने ऊपर ही बांधा था। और देखिए क्रेन अब सीधा से उखाड़ देगा, सीधा का सीधा उखाड़ देगा। ये गया, ये देखिए कट गया पूरा, ऐसे उठाते आदमी लोग गिर जाते हैं, शक्तिशाली होता है क्रेन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे हमको भी तीनों पेड़ काटना है, तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ऑल ओवर लुक दिखा दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे पूरे अच्छे कंटेंट के साथ।